रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट के वोटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने अपने सभी एम्प्लॉयज को ऑर्डर दिया कि जिनका भी बैंक अकाउंट HDFC बैंक में वो इन अकाउंट्स को इमीडिएटली क्लोज करके किसी भी दूसरे बैंक में ओपन कर ले। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि HDFC बैंक के खिलाफ ये मूव क्यों लिया गया। इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि बैंक गारंटी क्या होती है। जब भी गवर्नमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम देती है, जैसे ब्रिज बनाना, माइनिंग करना वगैरह वगैरह, तो गवर्नमेंट इन कॉन्ट्रैक्टर से एक बैंक गारंटी लेती है इनको पैसा देने से पहले। अब बैंक गारंटी का मतलब ये होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट से पैसा लेने के बाद गवर्नमेंट का काम पूरा नहीं करता, तो इस केस में बैंक अपनी जेब से गवर्नमेंट को पैसा वापस देगा। अब पंजाब वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे, लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स डिफॉल्ट कर गए। और जब डिपार्टमेंट ने HDFC बैंक को HDFC बैंक की बनाई हुई बैंक गारंटी रिप्रेजेंट करके पैसा क्लेम करने की कोशिश की, तो HDFC बैंक ने अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस दिखा के पैसा देने से मना कर दिया।